जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं तेजादशमी की पौराणिक कथा। आस्था और विश्वास का प्रतीक है तेजादशमी पर्व। तेजादशमी पर्व मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, झाबुआ सहित पूरे प्रदेश एवं अन्य प्रांतों में तथा विशेष रूप से राजस्थान में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तेजादशमी पर नवमी की पूरी रात रात जगा किया जाता है एवं दूसरे दिन दशमी को प्रातः से जिन जिन स्थानों पर वीर तेजा जी के मंदिर हैं मेला लगता है, जहां पर वर्ष भर से पीड़ित सर्पदंश सहित अन्य जहरीले कीड़ों की ताती धागा छोड़ा जाता है। सर्पदंश से पीड़ित मनुष्य, पशु या धागा सांप के काटने पर बाबा के नाम से पीड़ित स्थान पर बांध लेते हैं। आइए सुनते हैं तेजादशमी की पौराणिक कथा। तेजा राजा बाक्सा जी के पुत्र थे। वे बचपन से ही वीर, साहसी एवं अवतारी पुरुष के सदृश थे। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े होने पर राजकुमार तेजा की शादी सुंदर गौरी से होती है। एक बार अपने हाली साथी के साथ तेजा अपनी बहन पेमल को लेने उनकी ससुराल जाते हैं। बहन पेमल की ससुराल जाने पर वीर तेजा को पता चलता है कि मेरा नामक डाकू अपने साथियों के साथ पेमल की ससुराल की सारी गायों को लूट ले गया। वीर तेजा अपने हाली भाया के साथ जंगल में मेरा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक बाबरी के पास भासक नामक नाग सर घोड़े के सामने आ जाता है एवं तेजा को डसना चाहता है। वीर तेजा उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु भासक नाग रास्ता नहीं छोड़ता। तब तेजा उसे वचन देते हैं कि हे भासक नाग, मैं मेरा डाकू से अपनी बहन की गायें छुड़ा लाने के बाद वापस यही आऊंगा, तब मुझे दस लेना। यह तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास कर भासक नाग रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मेरा एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजा भयंकर युद्ध कर उन सभी को मार देते हैं। उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी हाली के साथ गायें बहन पेमल के घर भेज देते हैं। वचन से बधे तेजा भासक नाग की बांबी की ओर जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा को आया देखकर भासक नाग आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं दस कहाँ मारूं? तब वीर तेजा उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं, हे भासक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजा की वचनबद्धता को देखकर भासक नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहता है, आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की ताती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भासक नाग घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़कर तेजा की जीभ पर डंस मारता है। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ के स्तलून, सात तलाई, सुंदरेल, जेतपुरा, कोठड़ा, तलवाई, खुर्द आदि गांवों में नवमी एवं दसवीं को तेजा जी की थानक पर
मेला लगता है। बाबा की सवारी जिसे आती है उसके द्वारा रोगी दुखी पीड़ितों का धागा खोला जाता है एवं महिलाओं की गोद भरी जाती है। सायंकाल बाबा की प्रसाद चूरमा एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसाद ग्रहण करने थानक पर जाते हैं। इस तरह तेजादशमी का पर्व संपूर्ण भारत में अनेक प्रांतों में श्रद्धा आस्था एवं विश्वास के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है।